जिंदा है क्या? क्यों, तू क्या मेरे मरने की दुआएं मांगता है? काश ऐसा हो पाता, जो मेरी से दुआएं वो सारी कबूल होती तो तुझ जैसी कमीने यार मेरे नहीं होते। अबे साले, मैंने क्या तेरी भैंस चुरा ली थी जो तू ये बकवास कर रहा है? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? और जो तू सीला सिनेमा के सामने सुनैना के साथ बकवास कर रहा था वो? अच्छा, सब देख लिया क्या तूने? ऑलमोस्ट, कभी सिनेमा, कभी मॉल, कभी टोको बेल, कभी डोमिनोज, और कई बार तो गुड़गांव सेक्टर 29 भी। अबे छोड़ ना यार, इन चीज़ में क्या रखा है? चल तू अब ये बता, कल टीचर ने क्या पढ़ाया था? उफ प्रो यार, जो तू आजकल आउटसाइड द स्कूल क्लासेस ले रहा है ना, बाय गॉड, अगर टीचर को पता चल गया ना तेरे सुनैना के बारे में तो तेरे तो लग जाएगी। यार तू कितना नेगेटिव है यार, पूरा दिन नेगेटिव कर दिया। मैं नेगेटिव और सुनैना पॉजिटिव XD, ठीक है। रामी साले, लो आ गई तुम्हारी प्रेमिका मिस सुनैना। चुप। हाय, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सुनैना। तुम बताओ, सुना है आजकल खूब मजे हो रहे? मतलब ये कहना चाहता है तुम कितनी औसम हो। बाय गॉड, तुम्हारे जैसी लड़की काश इसे मिल जाती। व्हाट? नहीं, आई मीन इसे भी तुम्हारे जैसी कोई लड़की मिल जाती। क्यों? सही कह रहा है, आधा तू पागल, आधी ये पागल, बच्चे पूरे पागल। कुछ नहीं, चलो करो जो करने आते हो रोज। आशिकी, मुझे 1000 रुपये लेने बारे डी वाले पप्पू से। आई लाइक इट। क्या? तेरे पीले पीले दांत भोजड़ी के। फनी है तुम्हारा दोस्त। हाँ, जितना उसको होना नहीं चाहिए। कम ऑन यार, डोंट गेट जेलस ऑफ हिम, दोस्त है वो तुम्हारा। हाँ, चलो छोड़ो। ये बताओ, शाम को तुम चलोगी? कहाँ? साउथ एक्स में एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है। चल लूँगी, पर अभी नहीं। क्यों? दरअसल आई नीड योर हेल्प। व्हाट हैपेंड? तुम साइना को तो जानते ही हो ना। एक्चुअली परसों जब हम लोग स्कूल नहीं आए थे तो वो अब बिल्कुल अकेली रह गई थी, और 12th C के कुछ बदमाश लड़कों ने उसको कुछ ऐसा कहा जो सुनाने लायक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी हेल्प करो उसकी रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा। ऑलराइट। सानिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उस समय एक अमरूद का फल आपके सर पर गिर गया, इस न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है? अबे साले, पीपल के पेड़ पे अमरूद तेरी माँ ने लगाया, तेरे बाप ने? अबे लौड़े, कब बड़ा होगा अबे तू? अबे चमन चूतिए, जब मैं पहली में था तू थैली में था, समझा? अबे तू बड़वे, इतना कैसे फेल हो गया? मेरी माँ ने मुझे बॉर्नविटा नहीं पिलाया, इसलिए मैं फेल होता चला गया। एनी प्रॉब्लम? हे सानिया, मेरे सवाल का जवाब दोगी? हाँ कर ले, तू भी अपनी मन की कर ले। वो ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी दुबका के चलता है और औरत दिखा के? सानिया, जो मैंने सुना है तुम्हारे बारे में वो सही है, और अगर ये बात सही है तो उन्हें ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। क्या सुना है तुमने? देख, मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे साथ जो भी हुआ है उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा,
यार इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सी बात है, एवरीथिंग इज गुड। अगर सब कुछ सही है तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाई उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, तूने उसको बहुत सही सिखाया। यार मुझे पता नहीं, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। भाई पूरे मजे लेने के बाद फिर भी बोल रहा है कि मज़ा नहीं आया। भाई तू नहीं समझेगा, तू मन बुद्धि है। भाई तू मार तो अच्छा, तू है कौन ये तो बता। मैं कौन हूँ, क्यों और कहाँ से हूँ, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए तुम्हें किस बात पर मार पड़ी है। भाई किसलिए मारा, प्लीज बता तो सही। चान्या क्या कहा था इन्होंने तुझसे? यार मैंने तुझसे कहा था इट्स नॉट बिग इशू, फिर क्यों पेल दिया तूने उसको? सानिया ऐसा कौन करता है, एक सवाल ही तो पूछा था। मतलब? मैंने एक ही सवाल पूछा था कि जो आदमी छिपा के चलता है औरत दिखा के, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? शट अप जर, तुम दोनों चूतिए हो क्या? मतलब? इस सवाल से वो तुमसे पंगे नहीं ले रहे थे, इसका जवाब था पर्स, जो आदमी छुपा के चलते और औरतें दिखा के। रोहित तुम्हें ट्रिगों में प्रॉब्लम आ रही थी ना, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, अब ये तेरी ट्रिगोमेट्री ना हमारी तीनों की मूर्तियाँ बना के हमारी तीनों मूर्तियों को अलग अलग कर दिया है, मतलब हाथ आंखें और दिमाग एक साथ काम ही नहीं करते और अलग अलग सोचने पर मजबूर हैं। सही कह रहा है बॉस, मेरे भी आंखें दिमाग और हाथ अलग अलग दिशाओं में भाज रहे हैं। क्यों चूतिए, तेरा दिल जोया की दिशा में है ना, लड़की बाजी में से दिमाग निकालेगा तभी तो पढ़ाई में दिमाग चलेगा। बेटा तू ज्यादा जोया का पति मत बन, अपनी पढ़ाई कर ले नहीं तो अगले साल तेरे को बोर्डिंग में जाना पड़ेगा। अरे ये सब छोड़ो, वैसे रोहित तू चंडीगढ़ से है ना? हाँ क्यों? क्योंकि मैंने सुना कि चंडीगढ़ की लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। हाँ जोया को बताऊँ कितनी इंटेलिजेंट होती है। अरे यार तुम तो दिल पे ही ले गए, मैं तो बस रोहित को कंफर्टेबल करा रहा था। भाई सुन तू इस चूते की बात बात सुन, तुझे अगर स्कूल में कोई लड़की पसंद आए तो अपने भाई को बोल, तेरा भाई कराएगा सेटिंग। रोहित ब्रो ये खुद की सेटिंग बनाने पे तेरी क्या खाक बन आएंगे। तो तूने कौन सी महान लड़की पटा ली, तेरी भी तो मोटी मुटल्ली है। अबे ओ चूती मेरी काम से काम है, तेरी तरह हाथों के लगे नहीं घिसता, समझा? अब ये ना पर्सनल हो रहा है, तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। और साले तू क्या कर रहा है, दूसरी की बंदी को मोटी मुटल्ली बोल रहा है? शट अप गाइस, तुम दोनों ही चूती हो। और जहाँ तक की बात है तुम दोनों की इमेज की, तो लड़कियाँ तुम्हें पीठ पीछे चमन कहती हैं। हे गाइस आज के लिए इतना क्लेश काफ़ी है, अब इधर देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल और ये है PBH। मुझे समझ आ गया, PBP मतलब प्रतीक बना प्रेमी। हाँ ये लिखो प्रतीक बना प्रेमी। नई डफर इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले। अब भला ये कौन है? सोना चांदी तोले। अच्छा अब सोना चांदी भी तोले, और आप मिस्टर चूतिया कुछ ही ना बोले। ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? नहीं अच्छा है। वैसे मैंने सुना है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर बेकार निकले तो जरूरी नहीं है सेकंड एक्सपीरियंस भी बेकार निकले। इस नोटबुक में सारी इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है मैंने, ठीक से याद करना सारी चीज काम आएगी। आसान हो गई है कुछ चीजें? हाँ ठीक ही है, तुम्हारे बहाने हम सबकी रिवीजन हो गई। वेल मुझे लगता है कि फिलहाल ये काम नहीं करे तो फिलहाल बी को एक्सक्लूड करना चाहिए, इरादे नहीं बदलने चाहिए।